वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पीओके के बड़े नेता ने पाकिस्तान को धो डाला, गिलगित बाल्टिस्तान का बड़ा बयान। चलो देखते हैं, कमाल की न्यूज लग रही है, क्योंकि पीओके के किसी नेता ने इस टाइप से बोला तो मैं तो कहूंगी बड़े चेंजेस आ रहे हैं। अमेजिंग। तो वीडियो शुरू करते हैं, मेरी तो होप्स बड़ी हाई होती कहीं है, जो सुनते ही थोड़ा पहले वीडियो देखता हूँ पता करता हूँ। जैसे अब वो उनको दिख रहा है कि ये साथ वाला तो यूनियन टेरिटरी बन गया, वहां तो खुशहाली आ रही है, वहां तो बड़े बड़े मतलब हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, वहां पे कॉलेजेस आ रहे हैं, वहां के बच्चों को जबरदस्त जॉब मिल रही है, वो उनका मतलब पैसा इंप्रूव हो रहा है, सब कुछ खुशहाली आ रही है, तो उनको भी लग रहा होगा हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही। और ऐसा लग रहा है हमारी ड्रीम्स जो है पूरी होते हुए शायद जल्दी हो जाएंगी, देख सकेंगे हम। वहां से इमिग्रेशन होगा कि हमें वापस इंडिया जाना है। चलो, बहुत होप्स हाई हो गई है, तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले, यस फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ भारत का कद पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान बदनाम होता जा रहा है। दुनिया भर से फटकारे जा रहे पाकिस्तान को अब पीओके के बड़े नेता सरदार शौकत अली कश्मीरी ने घुसपैठ करने पर बुरी तरह लताड़ लगाई है। इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसा बयान दिया कि जिससे इमरान खान की जमीन खिसक जाएगी। दरअसल यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशन पार्टी यानी यूके पीएनपी के निर्वासित अध्यक्ष शौकत अली कश्मीरी ने कहा है कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत का हिस्सा थे, जिन पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। हाँ, पर ये तो पीओके में रहते हैं ना, वो बोल रहे हैं अब। उन्होंने जिनेवा में पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी यूके पीएनपी हथियार के तौर पर धर्म और विदेश नीति के तौर पर आतंकवाद के इस्तेमाल का विरोध करती है। ये पूरी दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान ने इसका कभी सम्मान नहीं किया। जब से भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को धारा 370 के बंधन से मुक्त किया, तब से पाकिस्तान को पीओके खोने का खौफ सता रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों का गुस्सा भी किसी से छिपा हुआ नहीं है, यह आक्रोश पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन चुका है। ऐसे में पीओके के नेता के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद करना पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। सरदार शौकत अली कश्मीरी ने जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर बयान दिया है, उससे पाकिस्तान में खलबली मचनी तय है कि शौकत अली कश्मीरी जब भी कुछ बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। वहीं भारत भी पाकिस्तान के काले करतूतों से जैसे जैसे पर्दा उठा रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान पर इंटरनेशनल दबाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान को यह बात आज नहीं तो कल समझनी ही होगी कि वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन आज नहीं तो कल भारत अपनी जमीन पाकिस्तान से वापस लेकर ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। तो फ्रेंड्स, न्यूज तो बड़ी कमाल की है, धीरे धीरे चेंजेस दिख रहे हैं। इतने सालों में कभी भी इस टाइप की बातें कभी सुनने को नहीं मिली थी। बचपन से दिल यही कहता था कि किसी तरह से ऐसा पॉसिबल है, पर जब भी पूछा जा रहा था पेरेंट्स से, कहते हैं मुमकिन तो लगता नहीं है। मतलब उनसे जब ये सुनते थे तो लगता था डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है, पर अब ये सब देख के लगता है वाओ, ये पॉसिबल है और ये होएगा। और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी अब डर लगा हुआ है कि कहीं पीओके उनके हाथ से निकल ना जाए,
और सबसे अमेजिंग बात है जो कभी भी सुनने को नहीं मिला था वो अब सुनने को मिल रहा है कि पीओके के नेता अब इस बारे में उनके पाकिस्तान के अगेंस्ट अब बोल रहे हैं और बोल भी रहे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के अंदर भी बोल रहे हैं वो। तो कमाल की बात हो क्या, और जैसे इन्होंने एंडिंग की कि जो हमारे पास जो है वो पीओके का वो एरिया आने वाला है, हम लोगों को तो लगता था कि पॉसिबल नहीं होगा, पर हमें तो कई चीजें ऐसी लगी थी जो पॉसिबल नहीं होंगी और मोदी जी ने वो करके दिखा दी। वो अब तो लग रहा है जैसे अब न्यूज़ शुरू हो गई है इस टाइप की, तो ऐसे लग रहा है कि कुछ होगा और होने वाला, कब होगा ये पता नहीं, पर यही है कि हमारे टाइम पर हो जाए। अगर ये हो गया तो कमाल होगा कि वापस हमारे पास हमारा जो लैंड है इंडिया का पार्ट बन जाए। सपना है, देखते हैं कब सच होता है। तो काफी अच्छा वीडियो था और मेरे ख्याल से इनका एक ही पॉइंट था मेन, कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाले जो लीडर हैं वो जिनेवा में जाके बोल रहे हैं कि ये एरिया जो है पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया है और बल्टिस्तान जो भी है उसको भी, गिलगित बल्टिस्तान उसको भी ऑक्युपाई किया, मतलब जो कश्मीर का ही एरिया है। तो बेसिकली वही कह रहे हैं कि जितना भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे हम कहते हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि ये जो एरिया है ये पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ है। वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम आ रही है पाकिस्तान से ही, उनको प्रॉब्लम आ रही है कि वहां पे खुशहाली नहीं हो रही, वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही। अब उनको वाकई लग रहा है कि पाकिस्तान के साइड आकर शायद उनको लॉस हुआ है वहां पे, और कोई रीजन नहीं हो सकता। जो बंदा वहां बैठा है उसे वही प्रॉब्लम आएगी कि उधर के सरहद के उस पार जो लोग हैं उनकी तो खुशहाली हो रही है, वो ग्रो कर रहे हैं, उनके वहां बेटर हो रहा है, इंटरनेट 4G आ गया, ये हो गया, और प्लस उनकी जो करेंसी भी बेटर है, जहां तक मुझे पता है एक इंडियन रुपी मेरे ख्याल से 2 पाकिस्तानी रुपी के इक्वल है शायद, तो अभी उतना फर्क पड़ गया तो दुगना है कि 1 रुपए 2, तो उनको भी लगता होगा कि हमारा पैसा वहां आधा हो गया है, तो उनको भी लगता है, उनके रिश्तेदार भी होंगे, सभी लोगों के रिश्तेदार दोनों तरफ में होंगे, तो उनको यही लगता है कि वो कितने बेटर हो गए, हम नहीं हो गए। और उनको जिस तरीके से पाकिस्तान की आप प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, इकोनॉमी डूब रही है, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया, फिर जगह जगह वो के उधार ले रहे हैं, लोन्स ले रहे हैं, कुछ जगहों को चाइना पे गिरवी रखा जा रहा है, पोर्ट के पोर्ट दिए जा रहे हैं, मतलब जैसे हालत उनको नजर आ रही है। और सभी लोग कह रहे हैं कि वहां पे जो पिछली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया था, अभी की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, तो काफी फ्रस्ट्रेटेड हैं लोग अकॉर्डिंग टू जो वीडियोस हमने देखे हैं। तो उसके हिसाब से उनको यही लग रहा होगा कि अब यहाँ पे कुछ करें, कुछ अपने आप को सेपरेट करें, ये करें वो करें, वो इतना आसान काम नहीं होगा, मगर इतना डेफिनेटली होगा कि इंडिया शायद उनकी हेल्प कर पाएगा, तो अब देखेंगे। मगर मेरा तो यही थॉट है कि जिस अगर पाकिस्तान इकोनॉमिकली नीचे जाता है तो वो उसको इवेंचुअली जो जो एरिया ऑक्यूपाई किया है उसके हाथ से चले जाएगा, और इंडिया को फिर यही करना पड़ेगा जैसे बहुत लोगों ने किया इस टाइप का कि हम इसको खरीद लेते हैं या ऐसा कुछ करते हैं कि ये सारा, क्योंकि वॉर जो है वो अच्छी चीज नहीं है। अगर वॉर पे बात आती है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर नेशंस हैं, अगर वॉर से कुछ सॉल्व नहीं होने वाला ये बातचीत से होगा। उनको यही बोलना पड़ेगा आपकी इकोनॉमी डूब रही है, आपकी मतलब बिल्कुल ही खतरे में है कंट्री, अगर आप चाहें तो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको फंड्स दे देंगे, उससे हो जाएगा बेटर ये एरिया, मतलब जैसे, और जैसे एग्जांपल्स भी मैंने पहले दिए थे कि जैसे अलास्का जो है यूएस ने रशिया से खरीदा था ये बोल के कि हम पूरा ऑक्यूपाई कर सकते हैं या तुम हमें बेच दो, मगर ये हमारे कॉन्टिनेंट का एरिया, ये तुम्हारे पास नहीं रह सकता। तो सिमिलरली यहां पर भी ऐसा कुछ होना चाहिए, बट मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। बीजेपी की गवर्नमेंट काफी इंटेलिजेंट है, उन्होंने ऑलरेडी सोचा होगा कि पीसफुली आप कैसे अपनी लैंड को वापस ले सकते हैं। नहीं, पर लोग जो हैं वहां पे जो रह रहे हैं पीओके में, अगर वो कहें कि हमें इंडिया का पार्ट बनना है, तो क्या पाकिस्तान तब मना कर सकता? नहीं करेगा, क्योंकि जो बैड एक्टर है वो तो अपनी एक भी लैंड नहीं जाने देगा, बोलेगा नहीं भैया, मतलब फिर भी मना करेगा। बिल्कुल, वो तो बोलेगा नहीं ये तो हमारी लैंड है। और अगर वहां के लोग रिवोल्ट करें तो भी नहीं, फिर भी नहीं करेगा, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कोई भी कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान वो अपने किसी भी एरिया को ऐसे नहीं देगी। अच्छा, तो वहां पे आपको जो है किसी तरीके से लेना पड़ेगा। अगर वहां के लोग रेवोल्यूशनाइज भी करते हैं, आंदोलन भी करते हैं, तो भी उनको बहुत तकलीफ आएगी। देखिए, ये तो हिस्ट्री में ऐसा ही है, मैंने कहीं देखा नहीं है ऐसा जहां पे लोगों ने अपना बहुत ही करके सेपरेट कंट्री बना ली हो, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब
रीसेंट पास में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि लोगों ने अपनी सेपरेट कंट्री कर ली हो छोटे से रीजन में, तो आप बताइए आपके क्या थॉट्स है। पर लग रहा है चिंगारी तो मतलब जल गई है, अब देखते हैं क्या होता है। हाँ मतलब अभी तो एक न्यूज आई है, अभी तो धीरे देखेंगे क्योंकि हर गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि उसको दबा दिया जाए। बिल्कुल, पर ये बोलना कि भैया ये कश्मीर का पार्ट था या ये इंडिया का पार्ट है वो ही बहुत बड़ी बात है कि वो बात बोलनी अब शुरू हुई है, नहीं तो करेक्ट, क्योंकि वो अब वापस जा रहे हैं कि राजा जो था वो चाहता था कि पूरा कश्मीर इंडिया के साथ आए। बिल्कुल, तो लीगली तो इंडिया का पार्टी था उस समय के, उसने कहा था इंडिया के पास आए और फिर जो है कुछ साल बाद वोटिंग होके हम देख लेंगे कि क्या लोग कह रहे हैं, मगर अभी तो इंडिया में आए, वो कभी हुआ ही नहीं। तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, तो होप्स तो अब हाई हो गई हैं। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।